गुरुगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मेरा आज का विषय पुरुषार्थ एवं इसके प्रकार है। पुरुषार्थ शब्द दो शब्दों पुरुष और अर्थ के संयोग से बना है। अतः पुरुषार्थ का अर्थ जो पुरुष के लिए लाभदायक हो, जिस लक्ष्य से कोई कर्म करता है वह उसके लिए लाभदायक प्रतीत होता है। अतः व्यक्ति के कर्मों के लक्ष्य को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। जिनके लिए मनुष्य की चेष्टाएं होती हैं वे ही उसके पुरुषार्थ हैं। पुरुष शब्द आत्मा का पर्यायवाची माना जाता है। इस अर्थ का तात्पर्य उद्देश्य होता है। इस प्रकार पुरुषार्थ शब्द इंड या गुड का पर्यायवाची शब्द माना जा सकता है। चार्वाक को छोड़कर अन्य भारतीय दार्शनिकों ने कर्म के चार लक्ष्य बताए हैं, काम, अर्थ, धर्म एवं मोक्ष। प्रथम तीन पुरुषार्थ साधन के रूप में हैं, किन चौथा पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ माना जाता है, जिसे अंग्रेजी में शमन बुमन या सुप्रीम गुड कहा जाता है। पुरुषार्थ के प्रकार, पहला काम। काम मनुष्य का मौलिक पुरुषार्थ है। काम शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। सामान्य अर्थ में विषयानुभव जन्य सुख काम है, और बाह्य वस्तु जो सुखद प्रतीत हो उसके अनुभव की इच्छा काम है। काम के अंतर्गत केवल इंद्रियजन्य सुख ही नहीं बल्कि मानसिक सुख भी आ जाता है। सुख और आनंद इसके अंतर्गत हैं, किंतु सुखप्रद वस्तु की इच्छा काम है, जो चाहा जाए। विशेष अर्थ में अथवा संकुचित अर्थ में इसका तात्पर्य सेक्सुअल एक्टिविटीज से है। भारतीय नैतिक दर्शन में काम के महत्व को रिट्रेंड इन्जॉयमेंट के रूप में स्वीकारते हैं, जबकि चार्वाक इसे परम की शुभ के रूप में स्वीकारते हैं। दूसरा पुरुषार्थ अर्थ। जब मनुष्य के कर्मों का लक्ष्य धन या संपत्ति की प्राप्ति हो तो उसे अर्थ कहा जाता है। मनुष्य को जीवन यापन के लिए किसी न किसी किस प्रकार की संपत्ति की आवश्यकता होती है। जीने की प्रवृत्ति जन्मजात है, अतः संपत्ति की इच्छा मौलिक इच्छाओं में है। भारतीय नैतिक व्यवस्थाओं में अर्थ के उपार्जन के संदर्भ में कहा गया है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। महात्मा गांधी के विचार से भी हमें उसी हद तक भौतिक साधनों का अर्जन करना चाहिए जिस हद तक जीवन यापन के लिए आवश्यक हो। धर्म। धर्म का अर्थ धारण करने योग्य कर्म से है। जब मनुष्य नैतिक कर्मों के आचरण की इच्छा करता है तब उसे ही धर्म कहते हैं। शास्त्रों के अनुकूल कर्म की इच्छा ही धर्म है। भारतीय जीवन व्यवस्था के क्रम में वर्णाश्रम धर्म की चर्चा के क्रम में चार वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ सामान्य धर्म निर्धारित है। बौद्ध धर्म में इसे मानसिक अवस्थाओं की गत्यात्मक स्थिति के अनुरूप माना गया है। मीमांसा दर्शन में जहाँ कर्मकांड का बोलबाला पाते हैं वहाँ कर्मकांड में चर्चित क्रियाओं को ही धर्म माना गया है। अंतिम पुरुषार्थ जिसे परम पुरुषार्थ कहा गया है
वह मोक्ष है। संसार के बंधनों से छुटकारा की इच्छा तथा दुख से निवृत्ति को मोक्ष कहा जाता है। पुरुषार्थों के अंतिम पुरुषार्थ हैं मोक्ष, जिसकी सत्ता में प्रत्येक दर्शन को विश्वास है। मोक्ष नितांत दूरस्थ आदर्श नहीं जो इस जन्म में साध्य न हो सके। मानव जीवन का परम लक्ष्य परोक्ष में दुख की निवृत्त न होकर जीते जी इसी देह में उस आदर्श को सिद्ध करने में है। कठोपनिषद के अनुसार जब हृदय में रहने वाली समग्र कामनाओं का नाश हो जाता है तब मनुष्य को अमरत्व प्राप्त होता है। इसी शरीर में ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। वैष्णव धर्म में जीवन मुक्ति को छोड़कर विदेह मुक्त में आस्था है तथा उनके मत में भी ज्ञानी ऐसी उन्नत स्थिति में पहुंच जाता है जहां जीवन का उद्देश्य उन्नत परमार्थ की कोटि ही होता है। भारतीय दर्शन का चरम लक्ष्य रिते ज्ञानान्न मुक्ति ही, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। जब अविद्या ही बंधन का मूल कारण है तब उसकी यथार्थ निवृत्ति विद्या या ज्ञान के अभाव में दूसरे साधन से हो ही नहीं सकती। इसलिए मोक्ष के इस उपाय में खड़ दर्शनों की एक वाक्यता है। शुष्क ज्ञान के बदले ज्ञान को अपने व्यवहार में लाने हेतु आचरण की मीमांसा तथा श्रवण एवं मनन के अनंतर निधिध्यासन आत्मा साधना का प्रमुख साधन है। श्रेय मार्ग पर चलते हुए आत्मसंयम तथा चित्त शुद्धि की नितांत आवश्यकता होती है। इन पुरुषार्थों में मुख्य और गौण कौन है? स्वाभाविक प्रवृत्ति की दृष्टि से पहला स्थान काम का है, तब अर्थ का, फिर धर्म का और बाद में मोक्ष का है। पर आदर्श जीवन की दृष्टि से पुरुषार्थों के क्रम में धर्म और अर्थ मुख्य लक्ष्य न होकर काम और मोक्ष के साधन मात्र हैं। काम और मोक्ष को में मोक्ष ही सर्वोच्च लक्ष्य है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ या निःश्रेयस है। धर्म मानव जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है, पर उसे अर्थ काम एवं मोक्ष में आवश्यक विचारा गया है। धर्म के अभाव में अर्थ और काम की इच्छा मनुष्य को दूषित बना देता है और वे पुरुषार्थी नहीं होते। अतः सभी पुरुषार्थ का अपना अपना क्षेत्र है। बस आज यहीं तक।